नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। अगली खबर छतरपुर से है, जहां जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से ग्रामीण जल समूह प्रदाय योजना के तहत एक दिवसीय विकास खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे बिजावर जनपद पंचायत के सभागार द्वारा संपन्न कराया गया। इस योजना में बिजावर जनपद क्षेत्र के 24 गांवों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है और बहुत जल्द ही इन गांवों में रह रहे परिवारों के हर घर को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलने लगेगा। इसी के तहत आज एक दिवसीय कार्यशाला में विधायक राजेश शुक्ला एवं जनपद पंचायत की अध्यक्ष, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार सहित जनपद सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में जल जीवन मिशन के जन सहभागिता प्रबंधक डॉक्टर मनोज राज ने जल जीवन मिशन के तहत जल संचालन एवं जल संधारण करने के बारे में विस्तार से सभी को बताया। साथ ही जल जीवन मिशन में सहयोग कर रही संस्था स्वयं सिद्ध सेवा एवं शिक्षा समिति से मॉनिटरिंग ऑफिसर रंजीत पटेल तथा उनकी टीम द्वारा जल जीवन मिशन पर संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। जल जीवन मिशन के तहत बिजावर के 24 गांवों को सम्मिलित किया गया है, चिन्हित किया गया है। बिजावर में 142 गांव हैं, पर हमारा जो क्षेत्र पड़ रहा है दमोह के आसपास के नियर के जो गांव हैं उसको 24 को ही हम उसको कवर कर पा रहे हैं। बाकी का पन्ना जिले से हो जाएगा, कुछ छतरपुर जिले से हो जाएगा, ये पूरे चार दोस्त कवर हो जाएगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन 24 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाना है, वो भी दिसंबर 2024 से पहले। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है।